यही एक देश है जहां सांड को भी पाला जाता है। 30-30 साल के लोग मां बाप से खर्चा लेते हैं और लड़कों को तो कोई हक नहीं है। 30 साल उम्र हो गई, पापा पैसा भेज रहे तैयारी करने के लिए। अब दुनिया में जब भी आप किसी के सहारे जीते हैं, किसी का मत खाइए सर, किसी से अगर 1 रुपये खा रहे हैं तो उसे 2 रुपये खिलाइए, और अगर नहीं खा सकते हैं तो किसी का खाइए भी मत। मिर्जापुर में ललित का हाल देखे ना, ऐसे ही हाल होता है जो दूसरों के सहारे जिंदा रहते हैं। ऐसा ही हाल होता है सर। अगर आप किसी पर 1 रुपया नहीं खर्चा कर सकते हैं तो उसका 1 रुपया अपने ऊपर खर्चा मत होने दीजिए। जब तक संभव हो दुनिया में किसी का एहसान मत लीजिए, नहीं तो कल आंख दिखाएगा तो आप गाली नहीं दे पाएंगे। इस देश में लोग जितना अपने मां बाप को बुरा भला कहते हैं उतना किसी को नहीं कहते। एक साहब एक बार मेरे पास आए, बोले हमारे मां बाप हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। मैंने कहा क्यों? बोले मैं आईएएस की तैयारी करना चाहता हूं और वो मुझे आईएएस की तैयारी नहीं करने दे रहे। मैंने कहा क्या कह रहे हैं? कह रहे पहले कोई जो है और नौकरी कर लो। मैंने कहा बुरा क्या कह रहे, क्या करते हैं? बोले पिताजी हमारे चपरासी हैं। मैंने कहा इतना बड़ा कर दिया वो एहसान नहीं है? यही एक देश है जहां सांड को भी पाला जाता है। 30-30 साल के लोग मां बाप से खर्चा लेते हैं और लड़कों को तो कोई हक नहीं है। 30 साल उम्र हो गई, पापा पैसा भेज रहे तैयारी करने के लिए। इनको बांध के मॉरिशस भेजो, साउथ अफ्रीका भेजो, इनसे बंधुआ मजदूरी कराओ। 30 साल, हद से हद 25 साल। आप 30 साल के हैं तो आपके फादर रिटायरमेंट के स्टेज पे पहुंच रहे हैं, बुजुर्ग हो रहे हैं। किसी का खाइए मत सर, बिल्कुल मत खाइए, नहीं तो किसी दिन किडनी मांग लेगा आपकी। खिलाएगा पिलाएगा, जूता पहनाएगा नाइक का रेडॉस का। या नेता लोग क्या कहते हैं, भाई है हमारा। नेता के साथ जो 2-4 लोग टहलते हैं, कभी नेताजी से पूछे कि नेताजी ये कौन है, अरे हमारे भाई की तरह है, और किसी दिन ले आके ललित वाला हाल कर दिया।